नमस्कार दोस्तों, NIUS के DLED कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रतिभा शर्मा आपको आज विषय पत्र 503 प्राथमिक स्तर पर भाषा अधिगम के एक विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है भाषा शिक्षण में पाठ योजना की आवश्यकता एवं महत्व। दोस्तों, भाषा शिक्षण पर पाठ योजना की आवश्यकता और महत्व को समझने से पूर्व हमको ये समझना होगा कि पाठ योजना का क्या तात्पर्य है। पाठ योजना के प्रत्यय का आविर्भाव गेस्टाल्ट साइकोलॉजी से हुआ है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी कहती है कि अधिगम की प्रक्रिया में प्रत्यक्षीकरण महत्वपूर्ण है, अर्थात बच्चा जो देखता है, जो सुनता है और जिस तरीके से सीखता है अपनी ज्ञान इंद्रियों और कर्मेंद्रियों के माध्यम से, वो महत्वपूर्ण है। लेकिन ये देखना और सुनना अगर इकाइयों के माध्यम से होता है तो उसके मस्तिष्क में एक समग्र पिक्चर बन पाती है। तो इस प्रकार से संपूर्ण की अनुभूति इकाइयों की सहायता से होती है। दोस्तों, इसी प्रकार से पाठ योजना भी है। पाठ योजना शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में बच्चों के लिए क्रमबद्ध ढंग से आयोजित की जाने वाली क्रियाओं का एक रोड मैप होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है। ऐसा ब्लूप्रिंट जिसमें शिक्षक अपनी कक्षा में क्या पढ़ाने जा रहा है, क्यों पढ़ाने जा रहा है, कैसे पढ़ाएगा, उसका मूल्यांकन कैसे करेगा, इन सारी क्रियाओं का एक पूर्व आयोजन करता है, पूर्व आयोजना यानी प्लानिंग करता है। तो इस प्रकार से पाठ योजना को ब्लूप्रिंट या रोड मैप भी कहा जा सकता है। दोस्तों, शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। हम सभी जानते हैं कि इस त्रिमुखी प्रक्रिया के तीन आयाम होते हैं, शिक्षण उद्देश्य, पाठ्य वस्तु एवं विधि और मूल्यांकन। ये एक चक्रीय प्रक्रिया है। हम उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, हम उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयुक्त विषय वस्तु, उपयुक्त विधि का चयन करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं और उसके बाद उसका प्रस्तुतीकरण करते हैं और उस प्रस्तुतीकरण के बाद हम उसका मूल्यांकन भी करते हैं कि क्या जो उद्देश्य निर्धारित किए गए थे उनकी प्राप्ति हो पाई या नहीं हो पाई। यदि नहीं हो पाई तो उसके बारे में पुनः नियोजन किया जाता है और इस प्रकार से पुनः शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करके और उपयुक्त विधि प्रविधि का चयन किया जाता है। तो इस प्रकार से इस त्रिमुखी प्रक्रिया की जो सफलता है वो उपयुक्त पाठ्य नियोजन के बिना संभव नहीं है। तो पाठ्य योजना क्यों आवश्यक है, हम इस दृष्टि से समझ सकते हैं कि शिक्षक की क्रिया को सफलता के लिए पाठ्य योजना अवश्य रूप से उसको अपनाना ही पड़ता है। पाठ्य योजना की आवश्यकता, भाषा शिक्षण में पाठ्य योजना की आवश्यकता से पूर्व हमको सामान्य रूप से ये समझना होगा कि पाठ योजना क्यों आवश्यक है। पाठ योजना शिक्षक के लिए किसी भी क्रिया की सफलता की गारंटी होती है। अगर शिक्षक बिना नियोजन के कक्षा में जाता है तो उसकी सफलता संदिग्ध रहती है। इस प्रकार शिक्षण की प्रक्रिया में यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि पाठ योजना आवश्यक है। हर शिक्षक को, प्रत्येक शिक्षक को जब वो कक्षा में जाता है तो उसको एक स्पष्ट रूपरेखा की आवश्यकता होती है, एक ऐसी रूपरेखा जिसमें उसको ये पता हो कि कितने समय अवधि की कक्षा में उसको किस प्रकार से क्रियाओं का आयोजन करना है कि वो अपने उद्देश्यों की प्राप्ति सफलतापूर्वक कर सके। पाठ योजना की आवश्यकता इसलिए भी है कि शिक्षक अपने निर्धारित उद्देश्यों में स्पष्टता ला सके। स्पष्टता नहीं होती तो शिक्षण की सफलता भी संदिग्ध होती है। इसी प्रकार से पाठ्य वस्तु के तत्वों को उपयुक्त क्रम देने के लिए भी पाठ्य योजना की आवश्यकता होती है। बिना पाठ्य वस्तु के तत्वों को उपयुक्त क्रम दिए, अर्थात सरल से कठिन की ओर उनको उपयुक्त क्रम दिए बिना शिक्षण सफल नहीं हो सकता, प्रभावी नहीं हो सकता। दोस्तों, शिक्षण की विभिन्न क्रियाओं और सहायक सामग्री की पूर्व जानकारी के लिए भी पाठ योजना आवश्यक है। शिक्षक
पाठ योजना के माध्यम से ही अपनी कक्षा में आयोजित की जाने वाली क्रियाओं और प्रयोग की जाने वाली सहायक सामग्री की पूर्व योजना करता है। इसी प्रकार से उसको अपनी कक्षा अधिकम परिस्थितियों में पाठ्य वस्तु के अनुरूप, शिक्षण उद्देश्यों के अनुरूप, किन शिक्षण विधियों की और प्रविधियों की आवश्यकता होने वाली है उनका भी निर्धारण वो कर सकता है। तो इस प्रकार पाठ योजना इस दृष्टि से या अनेक दृष्टि से आवश्यक होती है। पाठ योजना की आवश्यकता की एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि इसके माध्यम से कक्षा अधिगम परिस्थितियों में विस्मृति की संभावना को कम किया जा सकता है। अनेक बार दोस्तों ऐसा संभव होता है कि कक्षा की वास्तविक परिस्थितियों में शिक्षक भूल जाया करते हैं कि उनको आगे क्या करना था या उनको क्या क्रिया आयोजित करनी थी या वो क्या करें। तो इस प्रकार की संभावना को न्यूट्रलाइज करने के लिए, कम करने के लिए पाठ योजना एक अच्छा शस्त्र होता है अध्यापक के हाथ में। छात्र क्रियाओं के नियंत्रण एवं पुनर्बलन की प्रविधियों का निर्धारण करने की दृष्टि से भी पाठ योजना आवश्यक होती है। अब आप कहेंगे कि वो कैसे। वास्तविक परिस्थितियों में अनेक बार छात्र उत्तेजित हो जाया करते हैं या अनियंत्रित भी हो सकते हैं, या कक्षा नियंत्रण की दृष्टि से कभी कभी शिक्षक को अनेक बार प्रविधियों का, युक्तियों का सहारा लेना पड़ता है। वो युक्तियां, प्रविधियां क्या होंगी कि अगर शिक्षक प्रदर्शन विधि से कुछ पढ़ाता है तो छात्र उत्सुकता की वजह से कक्षा नियंत्रण में बाहर जा सकते हैं, कक्षा का वातावरण अनियंत्रित हो सकता है। उस दृष्टि से शिक्षक किन प्रविधियों का प्रयोग करेगा ये देखना भी महत्वपूर्ण होता है। इसी प्रकार से छात्रों को किस प्रकार से पुनर्बलित किया जाए कि उनको जो वो सीख रहे हैं या जो वो जिज्ञासा, उत्साह प्रदर्शित कर रहे हैं उसको एक सकारात्मक रूप से दिशा दिया जा सके, उसके लिए भी उपयुक्त प्रविधियों का निर्धारण किया जा सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार हम देखते हैं कि पाठ योजना अनेक दृष्टियों से आवश्यक है। एक बहुत बड़ा कारण, बहुत बड़ी आवश्यकता पाठ योजना की इसलिए भी होती है कि छात्र बहुत तरीके की भिन्नताओं को प्रदर्शित करते हैं। ये वैयक्तिक भिन्नता के कई आयाम हो सकते हैं। वो शैक्षिक उपलब्धि हो सकती है, वो उनका व्यवहार का मापदंड हो सकता है। अनेक दृष्टियों से इस वैयक्तिक भिन्नता को आधार देने के लिए कक्षा की क्रियाओं की व्यवस्था शिक्षक उपयुक्त ढंग से कर सके, इसलिए भी पाठ योजना एक आधार का काम करती है। तो पाठ योजना इस दृष्टि से आवश्यक है। भाषा शिक्षण में पाठ योजना की आवश्यकता यदि हम देखें तो अन्य विषयों की अपेक्षा बहुत अधिक है, बहुत व्यापक है। आप कहेंगे ऐसा क्यों। वस्तुतः भाषा शिक्षण का स्वरूप अन्य विषयों की अपेक्षा बहुत अधिक व्यापक होता है, बहुत अधिक भिन्न होता है। अन्य विषयों का स्वरूप उस विषय की विषय वस्तु के ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग इत्यादि उद्देश्यों से संबंधित होता है, जबकि भाषा शिक्षण में केवल भाषा का ज्ञान, अवबोध और अनुप्रयोग ही सम्मिलित नहीं है, बल्कि इसमें भाषा शिक्षण में तीन पक्ष सम्मिलित होते हैं। ये तीन पक्ष हैं भाषा का शिक्षण, साहित्य का शिक्षण और रचना कार्य का शिक्षण। भाषा का शिक्षण अर्थात भाषिक तत्वों का ज्ञान, जिसके अंतर्गत दोस्तों उच्चारण, वर्तनी, शब्द रूपांतरण, शब्द भेद, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास इत्यादि बहुत सारे भाषिक तत्वों का ज्ञान दिया जाता है। भाषा के शिक्षण के भी दो भाग होते हैं, पहला भाषा विज्ञान और दूसरा व्याकरण। भाषा विज्ञान के अंतर्गत मुख्यतः ध्वनि विज्ञान,
शब्द विज्ञान और वाक्य विज्ञान अर्थात ज्ञान पक्ष का शिक्षण सम्मिलित है, जबकि व्याकरण के अंतर्गत भाषाई कौशलों का ज्ञान सम्मिलित होता है। वो भाषाई कौशल अर्थात लेखन, वाचन, पठन इत्यादि। व्याकरण का शिक्षण कौशल पक्ष से संबंधित है। तो इस प्रकार दोस्तों हम देखते हैं कि जिस भाषा में पढ़ाया जा रहा है उस भाषा के शिक्षण से संबंधित कितनी सारी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। इसलिए बिना पाठ योजना के भाषा का शिक्षण नहीं कराया जा सकता। भाषा शिक्षण के दूसरे पक्ष में अर्थात साहित्य के शिक्षण में भी कई सारे तत्व शामिल होते हैं, जैसे विचार सौंदर्य, भाव सौंदर्य, काव्य सौंदर्य इत्यादि। साहित्य शिक्षण की अनेक विधाएं होती हैं, अनेक रूप होते हैं। साहित्य में निबंध, कविता, कहानी, नाटक, जीवनी, संस्मरण, उपन्यास इत्यादि अनेक विधाएं होती हैं। तो इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो विषय वस्तु की विविधता होती है, इसलिए बिना पाठ योजना के भाषा शिक्षण संभव नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक विधा के शिक्षण की अपने निश्चित उद्देश्य होते हैं, अपनी निश्चित प्रविधियाँ होती हैं, और उनके मूल्यांकन की अपनी अलग प्रविधियाँ होती हैं। तो बिना पाठ योजना के साहित्य का शिक्षण संभव नहीं है। तीसरा पक्ष जो भाषा शिक्षण से संबंधित है वो है रचना कार्य का शिक्षण। भाषा शिक्षण तब तक अधूरा है जब तक उस भाषा में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों में लिखकर या बोलकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास ना किया जा सके। इस दृष्टि से रचना कार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। छात्र सार लेखन कर सकें, पत्र लेखन कर सकें, कहानी लेखन कर सकें या आत्मकथा, संवाद, विज्ञापन इत्यादि विविध तरीके से अपनी लेखन कौशल का विकास कर सकें, इस दृष्टि से भाषा शिक्षण महत्वपूर्ण है और इसी दृष्टि से भाषा शिक्षण में पाठ योजना भी आवश्यक हो जाती है। तो दोस्तों हमने ये देखा कि भाषा शिक्षण में पाठ योजना की आवश्यकता बहुत अधिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विषय वस्तु की विविधता है, यहाँ पर उद्देश्यों की विविधता है। तो आज हमने दोस्तों ये समझा कि किस प्रकार से भाषा शिक्षण में पाठ योजना की आवश्यकता है। अब हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि भाषा शिक्षण में पाठ योजना का क्या महत्व है। भाषा शिक्षण में पाठ योजना का महत्व अन्य विषयों की तरह ही भाषा के शिक्षकों के लिए है कि जो सेवारत या पूर्व सेवारत शिक्षक हैं उनके लिए ये एक प्रभावशाली शिक्षण का माध्यम है। पाठ योजना के माध्यम से शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सकते हैं। जितना प्रभावी उनका नियोजन होगा यानी पाठ योजना होगी उतना ही प्रभावशाली वो शिक्षण कर सकते हैं, क्योंकि उसमें समस्त प्रकार का नियोजन संभव हो पाएगा और वो उसका एग्जीक्यूशन उसी के अनुरूप करेंगे तो निसंदेह उनका शिक्षण प्रभावशाली हो सकता है। दूसरी महत्व की दृष्टि से जो बात है वो है कि जो नए छात्राध्यापक होते हैं या जो प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे हैं भाषा के शिक्षक, उनके खुद के अंदर भाषा शिक्षण कौशलों का विकास किया जा सकता है। अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम में शिक्षकों को ये सिखाया जाता है कि वो किस प्रकार लेखन कार्य कराएंगे, किन विधियों का प्रयोग करके वो उपयुक्त पठन कौशलों का, वाचन कौशलों का विकास कर सकते हैं। तो इस प्रकार पाठ योजना उन छात्राध्यापकों के लिए एक दिशा निर्देश है, एक मात्र साधन है। तीसरी महत्वपूर्ण बात दोस्तों जो आपके साथ शेयर करना चाहेंगे वो ये है कि समस्त प्रकार का सैद्धांतिक ज्ञान
जो हमारी पुस्तकों में दिया गया है, जिनका अध्ययन शिक्षक को अपने छात्रों को कराना होता है, उस समस्त सैद्धांतिक ज्ञान का वास्तविक कक्षा शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में प्रयोग करना पाठ योजना के माध्यम से ही संभव हो पाता है। तो इसलिए दोस्तों, भाषा शिक्षण हो या किसी भी विषय का शिक्षण हो, पाठ योजना महत्वपूर्ण है। पाठ योजना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रभावी बन पाती है अपनी एक्टिविटी अप्रोच की वजह से। हम हर क्रिया जो शिक्षण अधिगम परिस्थिति में होने वाली है उसका एक ब्यौरा तैयार करते हैं, तो हर क्रिया के पीछे उसका एक उद्देश्य होता है। तो इस एक्टिविटी अप्रोच के माध्यम से हम प्रभावी शिक्षण संभव बना सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों, पाठ योजना महत्वपूर्ण है, भाषा शिक्षण में भी पाठ योजना इन्हीं वजहों से महत्वपूर्ण है। पाठ योजना की आवश्यकता भाषा शिक्षण में इसलिए भी महत्वपूर्ण है हो जाती है क्योंकि शिक्षण अधिगम व्यवस्था, जिसको हम टीचिंग लर्निंग मैनेजमेंट कहते हैं और जिसमें बहुत सारे सोपान होते हैं, नियोजन सोपान, व्यवस्था सोपान इत्यादि, इनका व्यावहारिक रूप में प्रयोग किया जाना संभव हो पाता है। जैसे नियोजन सोपान के अनुरूप छात्राध्यापक पाठ्य वस्तु का विश्लेषण करना और उन उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में लिखना सीखते हैं और वो सीख पाते हैं। इसी प्रकार से व्यवस्था सोपान के अनुसार वो अनेक प्रकार की शिक्षण युक्तियों, आव्यूह और समुचित सामग्री का निर्णय करना सीखते हैं कि परिस्थिति के अनुसार, विषय वस्तु के अनुसार, उद्देश्य के अनुसार उनको किस प्रकार की शिक्षण युक्तियों, विधियों और सामग्री का इस्तेमाल करना होगा। पाठ योजना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से शिक्षक पूर्व में ही विद्यार्थियों को पुनर्बलित करने और उनको प्रेरणा देने हेतु उपयुक्त प्रविधियों का निर्धारण पहले से ही कर लेता है। तो इस दृष्टि से भी पाठ योजना महत्वपूर्ण हो जाती है। और अंतिम बात कि निष्पत्ति मूल्यांकन, अर्थात छात्रों ने कितना सीखा, क्या उन उद्देश्यों की प्राप्ति हो गई, अगर उनकी प्राप्ति हो गई तो वो क्या रही, उसका स्तर क्या रहा, क्या उसमें कहीं कोई कमी रह गई, अगर कमी रह गई तो उसका निदान करना, उसको पता करना कि कमी किस कारण से रही और उसके अनुसार उपचार क्रियाओं का निर्णय भी पाठ योजना के माध्यम से पूर्व में ही संभव हो जाता है। तो इस प्रकार से देखते हैं तो उद्देश्य निर्धारण से लेके और निष्पत्ति मूल्यांकन तक पाठ योजना का महत्व होता है। दोस्तों, भाषा शिक्षण में पाठ योजना की महत्व की हम चर्चा कर रहे हैं और हमने इसके अनेक पक्षों को देखा, महत्व के अनेक तत्वों को देखा। इसके कुछ महत्वपूर्ण तत्व ये भी हैं कि पाठ योजना में जो अंतर्निहित लचीलापन होता है वो प्रत्येक छात्र तक हमारी अधिगम की पहुंच को संभव बनाता है। आप कहेंगे कि अंतर्निहित लचीलापन से क्या तात्पर्य है? अंतर्निहित लचीलापन से तात्पर्य यह है कि शिक्षक बहुत सारी योजना करने के बावजूद भी जब वास्तविक अधिगम परिस्थितियों में जाता है तो उसको ये अंदाजा होता है कि कहीं अचानक से भी कुछ चीज़ों में बदलाव करना पड़ सकता है। तो पाठ योजना में इस प्रकार की संभावना प्रत्येक प्रकार के छात्रों तक अधिगम की पहुंच को संभव बनाती है क्योंकि अध्यापक उसके अनुरूप अपनी प्रविधियों में परिवर्तन कर लेता है। पाठ योजना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हम यानी शिक्षक सर्वोत्तम संसाधनों और गतिविधियों का चयन और प्रयोग संभव कर पाते हैं। तात्पर्य, किस प्रकार से उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम सर्वोत्तम साधन, हम कौन से संदर्भ ग्रंथों का इस्तेमाल करेंगे, हम कौन से चार्ट या चित्रों का इस्तेमाल करेंगे कि हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति प्रभावी ढंग से हो सके, हम कौन सी गतिविधियों का आयोजन कर सकते हैं कक्षा में कि जिसके द्वारा हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। तो सर्वोत्तम संसाधन और गतिविधियों का चयन हम इसके माध्यम से कर पाते हैं और प्रयोग कर पाते हैं। तो इस दृष्टि से भी पाठ योजना महत्वपूर्ण है और पाठ योजना हमारे
भविष्य की योजना का भी आधार हमको देती है। हमारे आज का पढ़ाया हुआ पाठ हमारे कल के पढ़ाए हुए पाठ के लिए पूर्व ज्ञान का कार्य करता है। हम कल क्या पढ़ाने वाले हैं, इसके लिए हमारे आज के पाठ की सफलता कितनी रही, ये भी हमें उस अगले पाठ के लिए एक आधार देती है। तो दोस्तों, पाठ योजना इसलिए भी महत्वपूर्ण है। और सबसे और अंतिम बात कि वैयक्तिक भिन्नताओं के परिप्रेक्ष्य में उपयुक्त व्यवस्था संभव हो पाती है। हमने आवश्यकताओं के संदर्भ में भी ये बात देखी थी और महत्व के संदर्भ में भी ये बात महत्वपूर्ण है कि बालक विभिन्न प्रकार के प्रकृति के बालक कक्षा में होते हैं, तो उनकी वैयक्तिक भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कक्षा में उपयुक्त व्यवस्था संभव हो पाती है। तो दोस्तों, आज हमने देखा भाषा शिक्षण में पाठ योजना की क्या आवश्यकता है और क्या उसका महत्व है। अब आपसे मैं डॉक्टर प्रतिभा शर्मा विदा लेती हूँ। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।